हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, हमारा पाठ 10 है, गंगा तेरा पानी अमृत। ठीक है, और ये बात सही है, जो गंगा का पानी है वो अमृत जैसा है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। हमारे देश में अनेक नदियां हैं, परंतु जो मान सम्मान और स्थान गंगा को मिला है वह अन्य नदियों को नहीं। ठीक है, जो माँ गंगा को जो स्थान मिला हुआ है नदियों में, वो शायद किसी दूसरी नदी के पास नहीं है। गंगा के जल को अमृत माना गया है। गंगा को विष्णु, ध्रुव नंदा, त्रिपथागा, जाह्नवी, सुरसरी, मंदाकिनी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सारे गंगा के नाम हैं। पृथ्वी के राजा भागीरथ की प्रार्थना पर गंगा की अनेक धाराएं पृथ्वी पर बहने लगी। पृथ्वी के राजा थे भागीरथ, उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो भगवान ने तीन जो धाराएं नदी की अलग अलग तीन जगहों पर निकाल दी पृथ्वी पर। भागीरथ को गंगा का नाम भी दिया गया है, भागीरथी। ठीक है, वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि गंगा लगभग 30,000 साल पुरानी है। ठीक है, ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जो गंगा है वो 30,000 साल से भी पुरानी है, तथा इसके जल में ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसके जल को अमृत माना गया है, क्योंकि इसका जल क्या है, एकदम प्योर और शुद्ध है। तथा औरंगजेब भी यात्रा के दौरान गंगा जल ही पीते थे। जो औरंगजेब तानाशाह थे, मुगल शासक, वो भी क्या थे कि यात्रा करते कहीं पे जाते तो वो क्या पीते थे, गंगा जल को ही पीते थे। उत्तराखंड के गौमुख से चलकर बांग्लादेश में चंदनपुर के पास 2,994 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इतनी दूरी है टोटल अपनी तय करती है। मानव जाति के लिए गंगा ईश्वर की सर्वोत्तम देन है, लेकिन हमें इनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, सिर्फ वो हमारी देन है, हम मानते हैं, लेकिन उसकी सफाई स्वच्छता हमारे ऊपर है। ठीक है, कि हमें उसको साफ़ सुथरा रखना है। तो ये आपका पाठ था। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे और अपना प्रश्न उत्तर सारा काम अपनी किताब में करोगे। धन्यवाद।